हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो में फिल्म करने वाली हूँ समर ग्लैम मेकअप लुक, कि गर्मियों में मैं किस तरह का मेकअप प्रेफर करती हूँ। सो कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मिस रोज़ की मेकअप फिक्सर से अपने फेस को थोड़ा सा डैम कर रही हूँ, क्योंकि मेकअप करने से पहले हमें अपनी स्किन को थोड़ा सा गीला करना पड़ता है। आप इसकी जगह पानी भी छिड़क सकते हैं, आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इस पर मेकअप लगा देंगे तो वो बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होने वाला और वह बिल्कुल फ्लॉलेस भी नहीं होने वाला, जाहिर सी बात है। और इसे मैं अब थोड़ा सा ड्राई करूंगी, उसके बाद मैं अपने फेस को प्राइम करूंगी मेबलिन के बेबी स्किन प्राइमर के साथ। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, मेरे फेस पे इतने ओपन पोर्स नहीं है तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लगता, लेकिन अगर आपके फेस पे ओपन पोर्स है, एक्ने है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये जो है आपके ओपन पोर्स को बिल्कुल ब्लर कर देता है, जिसकी वजह से फाउंडेशन हमारी ज़्यादा देर तक स्टे करती है। मेरे फेस पे ज़्यादा ओपन पोर्स नहीं है, इसलिए ये कोई ज़्यादा डिफरेंस इसका पता नहीं चलता, लेकिन स्टिल मैं इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारे जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड होती है प्राइमर यूज़ करने से। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी की लिक्विड फाउंडेशन, इसका शेड है कैश्यू। ये बहुत ही हाई कवरेज है, इसलिए मैं थोड़ी सी अपने फेस पे लूँगी और इसे फिंगर से स्प्रेड करके अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन मेरी फेवरेट फाउंडेशन है। आई नो मैं हर वीडियो में ये दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने हर तरह की फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई करके देखी है, लेकिन जो मेरे फेस पे सूट करती है, जो मेरे स्किन टोन के साथ बिल्कुल मैच होती है और ज़्यादा देर तक स्टे करती है, वो यही हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन है। आई नो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन वर्थ इट है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। और यहाँ पे मेरे रिंग लाइट को दौरे पड़ते रहते हैं। खैर, अब हम अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा सीरम लेंगे अपने हाथ पे, ताकि हमारा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड हो सके। मैं यहाँ पे 24 गोल्डन का सीरम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सीरम नहीं है, आप फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फेशियल और ये सीरम दोनों नहीं है तो डोंट वरी, आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लें और ऐसे ही ब्लेंड कर लें। इससे होता ये है कि एक तो आपकी फाउंडेशन फ्लॉलेस लगती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, और जो आपकी फाउंडेशन है वो इतने मज़े से ब्लेंड होती है, आपको खुद ही अंदाज़ा होगा। और अगर आप कोई हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी पहले आप उसे ब्रश की मदद से ब्लेंड करें, फिर ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ब्लेंडर पर चले जाते हैं तो फिर वो फ्लॉलेस वो ग्लो नहीं आता, वो आपके फेस पे एक निशान रह जाते हैं जो अच्छे से ब्लेंड नहीं होते। कोई सा भी आप ब्रश ले, जो फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश हो, आप जब अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करें तो आप अपनी नेक पे भी अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी नेक और आपका फेस बिल्कुल एक ही कलर का लगे, वरना वो दूर से ही बहुत अजीब लगता है, जो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है। और इसे मैं ब्रश से ब्लेंड करने के बाद ब्यूटीफाई बाय आमना की ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, और ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्लेंडर बहुत ही सॉफ्ट हैं और अफोर्डेबल हैं। अगर आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये जो हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन, ये बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाती है, इस पर ज़्यादा हमें अपने हाथ को घिसना नहीं पड़ता, वरना जो और फाउंडेशन होती हैं जो थोड़ी सी सस्ती होती हैं लेकिन अच्छी नहीं होती, उस पर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना ब्लेंड करना पड़ता है, ये बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाती है। और अगर आप स्किन केयर अच्छी करें तो आपकी फाउंडेशन वैसे ही फ्लॉलेस लगती है। क्योंकि आज जो हमने फाउंडेशन यूज़ की है वो हाई कवरेज फाउंडेशन है, इसलिए हमने कंसीलर को स्किप किया है। तो मैं यहाँ पे एक आई शेडो पैलेट में से एक कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। आपके पास कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी कवरेज अच्छी है तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। उसे मैं थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर पर लेके अपनी अंडर आई को सेट करी हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि हमारी अंडर आई बहुत ही ड्राई लग रही है या हमने उस पर मेकअप नहीं किया। और मैंने अपनी अंडर आई को और अपने फेस को पाउडर से अच्छे से सेट कर लिया है, और मैंने थोड़ा सा ही पाउडर अप्लाई किया है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा पाउडर अप्लाई कर लेती तो मेरा फेस बिल्कुल मैट हो जाता और जो मेरे फेस पे ग्लो है वो ख़त्म हो जाता, और हमें आज ग्लोई लुक ही चाहिए। सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को स्पूली की मदद से सेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एनास्थाजे का आईब्रो पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा पाउडर है, ये आपके आईब्रोज को ज़्यादा देर तक स्टे करता है और आपकी आईब्रो इधर उधर हिलती नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक विंक आईलाइनर ब्रश ले रही हूँ, और जो मेरी नीचे वाली लाइन है मैं उसे फिल कर रही हूँ स्टार्टिंग से। उसके बाद जो मेरी ऊपर वाली आईब्रोज है उसे मैं स्पूली की मदद से नीचे कर रही हूँ, और मैं वही थोड़ा सा पाउडर लेके अपनी ऊपर वाली आईब्रोज को फिल कर दूँगी, और एंड में मैं इसे स्पूली की मदद से सेट कर दूँगी। आईब्रोज को फिल करना, शेप देना बहुत लाजमी होता है। अगर आप थोड़ी शेप दें, ज़्यादा दें, या आप पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो हमारी आईब्रोज हैं वो हमारे पूरे फेस का स्ट्रक्चर बयान करती हैं।
आईज़ के लिए मैं यहाँ पे हुदा ब्यूटी की न्यूट पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैं बिल्कुल लाइटर शेड लेके अपनी क्रीज पे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो मेरी क्रीज है उसे एक डेफिनेशन मिल जाए। आपके पास कोई भी पैलेट है उसमें से बिल्कुल लाइटर शेड आपने लेके अपनी क्रीज को डेफिनेशन दे देनी है और ये लुक बहुत ही सिंपल और ईजी है और बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाता है। अब मैं इसी पैलेट में से इससे थोड़ा सा डार्कर शेड लेके एक्सप्रेसिव शेड लेके अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी और इसे मैं ब्लेंड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो लाइटर शेड के ऊपर भी ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं, इस टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डार्क शेड अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी आईज हुडेड आईज भी लगती हैं और आपकी आईज को एक डीपनेस भी मिल जाती है, डेफिनेशन अच्छी मिल जाती है। अब मैं अपनी आईज पे थोड़ा सा शिमर ऐड करने के लिए पिंकिश और ब्राउनिश शिमर लेके अपनी आईलिड पे अप्लाई करी हूँ ताकि जो मेरी आई शेडो है बिल्कुल मैट ना लगे, उसमें थोड़ा सा ग्लो भी आए। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉब का मस्कारा यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आईलैशेस भी लगा सकते हैं लेकिन समर ग्लैम है तो समर ग्लैम में आईलैशेस में प्रेफर नहीं करती। अब बारी आती ब्लश की, तो ब्लश के लिए मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट में से ब्लश यूज कर रही हूँ। उसका बहुत ही प्यारा सा शेड है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप टिंट या क्रीम ब्लश यूज करें, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पाउडर ब्लश यूज करें। इस बात का आपने ख्याल रखना है वरना आपका मेकअप जो है गर्मियों में बिल्कुल क्रैक हो जाता है और वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहता। उसके बाद मैं यहाँ पे जे डॉट के हाइलाइटर में से छोटे से ब्रश की मदद से अपनी इनर कॉर्नर को हाइलाइट कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है कि जब भी आप अपने फेस पर हाइलाइटर अप्लाई करें, एक ब्रश लें और एक सेटिंग स्प्रे लें। आप अपने ब्रश पर सेटिंग स्प्रे को स्प्रे करें और फिर अपने हाइलाइटर को लगाएं। इससे आपके हाइलाइटर को और एक ग्लो मिलता है और आपकी स्किन और ग्लोइंग लगती है। बहुत ही अच्छा है कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं अपने फेस को ब्राउन्स अप करना भूल गई थी, मुझे बिल्कुल एंड में याद आया, तो मैं अपने फेस को आज ब्राउन्स अप कर रही हूँ, कॉन्टोरिंग नहीं कर रही, क्योंकि कॉन्टोरिंग और ब्राउन्स अप में बहुत फ़र्क होता है। कॉन्टोरिंग जो होती है वो हमारे फेस को एक शेप देती है और जो ब्राउन्स अप होता है वो हमारे फेस पे एक वार्म लाने के लिए होता है। जैसे मेरा फेस बिल्कुल प्लेन लग रहा था तो मैंने इसे थोड़ा सा अपने फेस पे एक टोन दिए ब्राउनिश। और आज मैं न्यूट लिपस्टिक यूज करूंगी, मैं मिस रोज की न्यूट लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। इसका शेड है 102, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है और अफोर्डेबल है और इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत ही क्रीमी है। इसे मैं अपने पूरे लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी और इसके बाद हमारी लुक भी हो गई है कंप्लीट। तो ये थी हमारी आज की लुक, बहुत ही सिंपल डिसेंट और इजी लुक है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं आप ये लुक करें, समर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट लुक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने अपना 100% दिया है। आई होप आपको अच्छी लगी हो और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।